नमस्कार, योगा माई लाइफ पर आप सबका स्वागत है। एक विचार मेरे दिमाग में पैदा हुआ और बहुत बार आप लोगों के द्वारा भी पूछा गया अलग-अलग समय पे कि शिव अगर भगवान है तो फिर वो किसका ध्यान करते हैं। ध्यानस्थ दिखाया जाता है शिव को हमेशा। अगर वो खुद ही भगवान है तो फिर वो ध्यान किसका कर रहे हैं? क्या खुद का ध्यान कर रहे हैं या किसी और का कर रहे हैं? हिंदू धर्म में वैसे भी बहुत सारे देवी देवता हैं और ख़ास तौर पे शिव का जो स्थान है वो सर्वोत्तम बताया गया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी शिव की आराधना करते हुए दिखाए गए हैं और श्री राम भी जो है शिव की आराधना करते हुए दिखाए गए हैं, और शिव खुद ध्यानस्थ हैं। ये बड़े कमाल की बात है। यहाँ पे आपको ना भगवान के निराकार और साकार रूप को समझना होगा। मजे की बात है कि शिव जो कि हम उनको वर्ल्डली फॉर्म में देखते हैं, फॉर्म के अंदर देखते हैं, मूरत के अंदर देखते हैं, और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक श्लोक के माध्यम से बताया है कि यदा यदा ही धर्मस्य, कि जब जब धर्म की हानि होती है तो मैं साकार रूप में आता हूँ, वैसे मैं निराकार रूप में आता हूँ, रहता हूँ। शिव का भी जो लौकिक रूप है ना वो तीन गुणों से बंधा हुआ है। हालांकि शिव खुद अलौकिक है लेकिन अगर मनुष्य रूप में है तो वो तीन गुणों से बंधे हुए हैं, और वो जब जो साकार रूप है वो निराकार के साथ एकस्थ होता है, एक होता है, एकाकार होता है, तो अपने आप ध्यानस्थ हो जाता है। और वो हमारे लिए ही है, हमें एक बात समझाने के लिए है, सिग्निफाई करने के लिए है कि जैसे आप निराकार के साथ रूबरू हो गए, एकाकार हो गए, तो ध्यानस्थ हो जाओगे। और ध्यान ही माध्यम है। इसको अलग शब्दों में ऐसे भी समझ सकते हैं कि ध्यान एक ऐसी कड़ी है जो साकार और निराकार के बीच में रहती है। अगर ध्यान नहीं करेंगे तो निराकार की बात ही समझ नहीं आएगी। शिव निराकार हैं, ध्यानस्थ हो जाते हैं वो खुद के अंदर, क्योंकि अगर वो साकार रूप में आते हैं तो वो प्रकृति के तीन गुणों से भी बंधे हुए हैं और उनके पास एक मन भी है, लेकिन इन दोनों चीज़ों में वो लिप्त नहीं हो रहे, ना तो तीन गुणों में और ना ही मन के अंदर। इसलिए ध्यानस्थ हैं जो भी साकार रूप, जब क्योंकि हर शरीर के अंदर आत्मा जो है वो ईश्वर का ही तो एक अंग है, और साकार रूप जब निराकार के पास जाएगा तो ध्यान के माध्यम से ही जाएगा, और जाएगा कब? जब लिप्त नहीं होगा मन के अंदर और जब लिप्त नहीं होगा तीन गुणों के अंदर, अपने आप ही निराकार हो जाएगा, अपने आप कनेक्टेड हो जाएगा। इसलिए ध्यान तो एक माध्यम है जो शिव ध्यानस्थ दिखाई देते हैं, क्योंकि वो साकार और निराकार दोनों रूपों में एक साथ हैं, इसलिए ध्यानस्थ दिखाई देते हैं। ऐसा कोई भी रूप होगा ईश्वर के किसी भी रूप का, देवी देवता का, जो ध्यानस्थ होगा तो वो उस वक्त जो है वो साकार और निराकार के बीच में है, और संदेश है मानव जाति के लिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो।